हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। पत्रलेखा ने चुनरी पर गढ़वाया राजकुमार के लिए ये खूबसूरत वादा, क्या आप जानते हैं मतलब? राजकुमार राव और पत्रलेखा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए। 15 नवंबर को इस जोड़े ने चंडीगढ़ के सुखविलास में साथ फेरे लिए। फैंस भर भर के इस नए कपल को बधाइयां दे रहे हैं। दोनों की बेहद खूबसूरत तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। राजकुमार और पत्रलेखा की इन फोटोज को देखकर साफ लग रहा है कि वे कितना खुश हैं एक दूसरे का साथ पाकर। पत्रलेखा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान एक्ट्रेस की चुनरी पर गया जिसमें बंगाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये देखते ही लोगों के ने गूगल बाबा का सहारा लेना शुरू कर दिया और ढूंढ निकाला पत्रलेखा का वो वादा जो उन्होंने अपनी चुनरी में राजकुमार के लिए करवाया था। पत्रलेखा ने लिखवाया था, अमर पौराण भरा भालोबाशा आमी तोमाय समर्पण करिलाम, जिसका हिंदी में मतलब है प्यार से भरे इस दिल के साथ मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। ये वादा वाकई खूबसूरत है। सव्यसाची का लहंगा। आपको बता दें कि पत्रलेखा ने अपनी शादी के खास मौके पर सव्यसाची का लहंगा पहना था। पत्रलेखा की एक बेहद क्लोज फ्रेंड ने ये खुलासा किया है कि पत्रलेखा हमेशा से अपनी शादी पर सव्यसाची का लहंगा पहनने का ख्वाब देखा करती थी। सव्यसाची ने इससे पहले जब दीपिका का लहंगा डिजाइन किया था तो उसमें भी सौभाग्यवती भवन लिखवाया था। दोनों ने प्यार जाहिर किया। राजकुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार 11 साल की दोस्ती, प्यार, रोमांस और मस्ती के बाद मैंने अपनी सब कुछ के साथ शादी कर ली है। मेरे सोलमेट, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी परिवार, आज मेरे लिए तुम्हारे पति कहलाने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। राजकुमार की होने के बाद पत्रलेखा ने इंस्टा पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज सब कुछ, मेरा प्रेमी अपराध में, मेरा साथी, मेरा परिवार, मेरी आत्मा, पिछले 11 वर्षों से मेरा सबसे अच्छा दोस्त, आपकी पत्नी होने से बड़ी कोई भावना नहीं है। 11 साल से रिलेशनशिप में है। साल 2014 में दोनों ने फिल्म सिटी लाइट्स में साथ काम किया। ये पत्रलेखा की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म से दोनों की दोस्ती और प्यार की शुरुआत हुई और आखिरकार 11 साल के प्यार के बाद दोनों आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। दोनों लंबे समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। राजकुमार राव ने सबसे पहले पत्रलेखा को एक विज्ञापन फिल्म में देखा था, तब से ही वह पत्रलेखा को पसंद करने लगे थे। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।